हेलो गाइस, टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एवियोनिक्स डिवीज़न हैदराबाद की तरफ से। इसमें डिप्लोमा ट्रेनिंग टेक्नीशियन और भी तमाम रिक्रूटमेंट निकल के आई हुई है, जिसमें कि आईटीआई डिप्लोमा डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 15/12/2022 की अपडेट है। एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं, ये आपकी जो डिप्लोमा ट्रेनिंग एंड टेक्नीशियन की जो जॉब है ये परमानेंट बेसिस पर होने वाली है। देखिए, नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात करते हैं तो गाइस, जो आपकी जो पोस्ट है वो बैकलॉग वैकेंसी, यानी कि एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है। जो भी कैंडिडेट यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो वीडियो की स्किप कर सकते हैं। डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स किए हुए हैं या कम्युनिकेशन से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से अप्लाई कर सकते हैं। एससी की एक और एसटी की 3 नंबर वैकेंसी है। इंडक्शन लेवल C5 की है आपकी। टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए टोटल नंबर वैकेंसी 5 मिलेगी, जिसमें आईटीआई और आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स होना चाहिए एनसीटीबीटी से। इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग टर्नर वालों के लिए भी आईटीआई प्लस एनएससी से या एनसीटीबीटी से टर्नर होना चाहिए। टेक्नीशियन ट्रेनिंग फिटर के लिए आपका आईटीआई प्लस एनएससी या एनसीटीबीटी से फिटर होना चाहिए। स्टोर या परचेज असिस्टेंट के लिए डिग्री इन कॉमर्स या फिर आर्ट्स या फिर साइंस प्लस कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम 3 मंथ का आपका पास होना चाहिए। असिस्टेंट एडमिन ट्रेनिंग के लिए देख सकते हैं, आपके पास SSLC प्लस डिप्लोमा इन कमर्शियल एंड कंप्यूटर प्रैक्टिस होना चाहिए, प्लस 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप भी इसमें रिक्वायर्ड है। देखिए, अब एज लिमिट के बारे में बात करें तो अपर एज लिमिट इज 1/10/2022 से काउंट की जाएगी 28 साल। एससी एसटी कैंडिडेट इन रिस्पेक्ट ऑफ वैकेंसीज रिजर्व फॉर द देन इज रिलैक्स बाय 5 ईयर का आपके पास रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि आपके पास 33 ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग के बारे में बात करते हैं तो सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड एट एवियोनिक्स डिवीज़न HAL हैदराबाद में आपका हो सकता है। हाउ ईयर दे आर लाइबल टू बी ट्रांसफरबल या पोस्टेड असाइन टू एनी प्लेस हेयर HAL हैज़ डिवीज़न या ऑफिसेज, यानी कि HAL की कहीं भी अगर डिवीज़न ऑफिसेज हैं तो वहां पर भी आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। उसके बाद आपकी जो 1 साल की ट्रेनिंग करी रखी जाएगी तो D6 में जो डिप्लोमा ट्रेनिंग वालों के लिए स्टाइपेंड दिया जाएगा ₹31,004 का। C5 जो कि टेक्नीशियन वालों के लिए ₹29,000 का आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग दे विल बी एब्जॉर्ब इन द रेगुलर स्केल ऑफ पे। जैसे D6 जो डिप्लोमा ट्रेनिंग वालों के लिए स्केल पे आपका हो जाएगा ₹23,000 का, C5 जो कि टेक्नीशियन वालों के लिए ₹22,000 का आपका स्केल ऑफ पे हो जाएगा। देखिए, एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करते हैं तो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स अप्रेंटिसशिप ऑफ द डिवीज़न कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड बाय एम्प्लॉयड एक्सचेंज जिला सैनिक वेलफेयर बोर्ड आर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम एप्लीकेशन फीस, यानी कि उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो सिलेक्शन विल बी डन थ्रू रिटर्न टेस्ट, ओनली द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर रिटर्न टेस्ट, यानी कि शॉर्टलिस्ट किया जाएगा पहले जो रिटर्न टेस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे, तो उसके बाद आपको रिटर्न टेस्ट देना है। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं तो रिटर्न टेस्ट विल बी ऑफ 2.5 घंटे का आपको होने वाला है। द टेस्ट विल बी इन 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में होगा, जिसमें कि पहले पार्ट में आपको 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से, दूसरे पार्ट में 40 क्वेश्चन इंग्लिश एंड रीजनिंग, पार्ट थ्री में आपकी 100 क्वेश्चन रखे जाएंगे डिसिप्लिन से। देख सकते हैं 3 पार्ट में आपका एग्जामिनेशन होगा। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स एंड देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। द कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर फॉर रिटर्न टेस्ट एट दियर ओन कॉस्ट, यानी कि कोई भी TA DA नहीं दिया जाएगा आपको, यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंसेस नहीं दिया जाएगा आपको, केवल अपने ही खर्च से देने जाना होगा आपको रिटर्न टेस्ट। अब आपको अप्लाई कैसे करना, देखिए अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और ये अप्लाई आपको 17/12/2022 से स्टार्ट हो जाएगी 24 घंटे, यानी कि 17/12/2022 टिल 24 आवर्स ऑन 8/1/2023 फॉर दिस परचेज, 8/1/2023 आपकी लास्ट डेट हो जाएगी। जैसे कोई कैंडिडेट ITI भी किए हो तो डिप्लोमा भी किए हो, लेकिन उनको केवल और केवल एक पोस्ट पर अप्लाई करना था। कैंडिडेट इज़ परमिटेड टू अप्लाई फॉर 1 पोस्ट ओनली फॉर विच ही या सी इज मोस्ट सुटेबल, जो आपके लिए मोस्ट सुटेबल हो उसी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई भी आपके मन में क्वेरी आ रही हो तो आप इस ईमेल पर या इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नो अदर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन विल बी इंटरटेन, ये दोनों मेथड से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो गाइज, एक अपडेट देनी थी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की टेक्निकल जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।